दोस्तों, कभी कभार ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि पार्टनर इग्नोर करने लग जाते हैं, और जब आपको पता चलता है कि वो किसी और के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा जख्म पहुंचता है दिल को। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए। इसमें मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगी, 6 काम आप करिए, फिर देखिए वो किसी और के लिए आपको इग्नोर करना तो दूर, आपके लिए सबको इग्नोर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णाश्री चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे पहले जो आप लोग गलती करते हो वह है दोस्तों, जब आप देखने लगते हो कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी और के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, तब आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, और ये आपका सबसे बड़ा गलती। पार्टनर को भी मज़ा आता है कि यार मेरे पीछे कितना पागल है, मैं थोड़ा सा इग्नोर किया, ये तो पागलपंती शुरू कर दिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। रिएक्ट जितना ज़्यादा करोगे आप, उतना ज़्यादा आप अपना वैल्यू ख़त्म करते जा रहे हो, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तुम थोड़ा सा इग्नोर करो तो मैं पागल हो जाती हूँ, तुम थोड़ा सा क्या मुझसे ख़राब बिहेवियर करो तो मैं दुखी हो जाती हूँ, तुम थोड़ा सा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करो तो मैं खुश हो जाऊँगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आप अपने पार्टनर के हाथ में दे के रखे हो, और जब किसी को पता चलेगा कि सामने वाले का कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो क्या वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे? थोड़ा सा दिमाग को लगाओ और देखो कि हाँ, अगर आप अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे के रखोगे तो वो तो आपको इग्नोर करेंगे ही। इसीलिए दोस्तों, उसके हाथ से अपना रिमोट कंट्रोल छीन लो, उसको दिखाओ कि तुम मुझे इग्नोर करो कि क्या करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो बिंदास हूँ। ये चीज़ों से दिखाओगे आपको खुश होने के लिए किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी का सहारा आपको नहीं चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए। ये चीज़ उसको शो करो, ये आपका पहला काम। दूसरा है दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हो, उनको पूछने लग जाते हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे में क्या कमी है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। दोस्तों, ये सब आप लोग जो करते हो ना, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिरता है, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको इग्नोर करते जाएंगे, वो आपको थोड़ी बताएंगे एक्चुअल रीज़न। उसके लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है, इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हो, और आप जाके ऊपर से पूछ रहे हो रीज़न बताओ क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, ये सब आप लोग दुख में करते हो, दर्द में करते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इस तरह से करोगे तो आपका वैल्यू और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपका वैल्यू ख़त्म होता जाएगा, उसका इग्नोरेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको उसको जाके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। तीसरा है दोस्तों, आपको अपना दुख नहीं दिखाना है। फ़ोन करते रोने लग जाते हो, मैसेज करते रोने लग जाते हो, रोना गिड़गिड़ाना ये सब क्या है? उसके सामने जैसे आप लोग अपने दिल खोल रख देते हो, रो धो के आप लोग गिरगिरा के उसको ये दिखाते हो कि तुम्हारे बिना मैं मरी जा रही थी, तुम्हारे बिना मेरा तबीयत खराब हो गया था, तुम्हारे बिना तो मैं मरने के लिए जा रही थी, मैं तो मरने बैठी थी। ये सब नहीं करना है। उसको जितना ज्यादा ये सब करके आप मन बहलाने की कोशिश करोगे, उतना ही आप गलत राह पे जा रहे हो। अगर ऐसे उसका मन बहलना होता तो अब तक तो बहल चुका होता, अब तक तो आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि ऐसे कभी फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। चौथा है दोस्तों, अपना हैप्पीनेस शो करो, उसे दिखाओ कि मैं खुश हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना और करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारे बाबू सोना जादू टोना की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं खुश मिजाज इंसान हूँ, मेरा नसीब अच्छा है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरा किस्मत अच्छा है, मैं खुश किस्मत हूँ, तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ तब आप दिखा पाओगे जब आप अपना हैप्पीनेस शो करोगे। आपका हैप्पीनेस ही उसके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप जितना रोओगे दुखी होगे उसको बढ़ावा मिलेगा, आप जितना खुश रहोगे उतना बड़ा उसको तमाचा पड़ेगा कि मेरे इग्नोरेंस से इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, मतलब कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके ईगो पे जाके लगेगा। तो आपको खुश रहना है। अगर आपका पार्टनर को इग्नोर कर रहा है ना, तब आपको डबल खुश रहना है, ठीक है?
पांचवा है दोस्तों, आपको कभी भी थर्ड पर्सन से जाके कोई बातें नहीं करना है। आप लोगों की सबसे बड़ी कुल्हाड़ी यही होता है जो आप अपने ही पैर पे मारते हो, आप जाके उस थर्ड पर्सन से बात करना शुरू कर देते हो जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जाता है। आप लोगों के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, उस पर्सन के लिए आपको इग्नोर किया जा रहा है और आप जाके उसी से ही बात करो। मतलब कैसे कर लेते हो आप लोग, आपको कतई नहीं बात करना चाहिए, उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है और जोड़ना भी नहीं, वो आपके लाइफ को कुछ नहीं कर सकता और उसके प्रेजेंस में आपका लाइफ ख़राब हो रहा है, उससे बात करके आप सही कर दोगे, ऐसा मत समझो। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर अपना पकड़ बना पाए तो थर्ड पर्सन आप दोनों में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर बहुत कमज़ोर वाला रिश्ता हो जाएगा तब कोई भी आ जाएगा बीच में। इसलिए आप थर्ड पर्सन को तो मेन चीज़ समझो ही नहीं, आप ऐसा मत समझो कि थर्ड पर्सन के लिए नहीं, थर्ड पर्सन को भूल ही जाओ, आपका डायरेक्ट संबंध है अपने पार्टनर से, उसको कैसे अपने वश में किया जाता है वो समझ लो आप। बस आपको थर्ड पर्सन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने पार्टनर को कैप्चर कर पाओगे तब वो अपने आप थर्ड पर्सन से बात करना बंद कर देंगे, आपके बोलने से नहीं होगा। और आप लोग जाके थर्ड पर्सन से बात करने लगते हो, उसको गाली गलौज करते हो, उसको बोलते हो मेरे पार्टनर की लाइफ से दूर हो जाए, ये सब आपकी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। इससे आपका पार्टनर और ज़्यादा इरिटेट होंगे और आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ तो आपको करना ही करना है, उसको डबल इग्नोर करना है, उसको दिखाना है कि तुम मुझे क्या इग्नोर करोगे, तुम्हारा इतना औकात ही नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा या फिर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। जब कोई किसी को इग्नोर करता है तब उसका दुख कम होता है, जो इग्नोर होता है उसका दुख ज़्यादा होता है। जैसे आप इग्नोर हो रहे हो तो आपका दुख ज़्यादा है, बस इसी दुख को उसके तरफ ट्रांसफ़र कर दो, आप उसको डबल इग्नोर करो, फिर वो दुखी हो जाएंगे, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और ये सारी जो चीज़ है ना, छः पॉइंट में बताया, ये करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है पता है, आपका सेल्फ कंट्रोल। तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ कंट्रोल करो, आप उसके पीछे मत पड़ो, जो जो मैं बताया इसको फॉलो करो, फिर देखो पार्टनर कैसे वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके ही पीछे फिर से आ जाते हैं। तो ज़रूर इसको अप्लाई करें और ऐसे वीडियोस रेगुलरली जाते हो तो श्री पर्णश्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।